Hello students, welcome back to Passion Adda. I am Nikita and today we will continue our class 5th English book, that is Marigold, and here is our unit number 9. So, this unit has only one poem and the name of the poem is Sing a Song of People, यानी कि लोगों का गीत, ठीक है? लोगों के लिए गीत गाया गया है और वही है ये, ठीक है? So, everybody seems to be in such a hurry these days. I wonder why. हर कोई इतनी जल्दी में लगता है, मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों है। आपने देखा होगा मॉर्निंग में आप घर से निकले हो, जल्दी जल्दी में निकलोगे कि मुझे स्कूल जाना है, मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ, फिर भागते हुए घर जाओगे, है ना। ऐसे ही पापा के साथ, फिर पापा अपने काम में लग जाएंगे, आप अपने काम में लग जाओगे, भाई बहन और हैं वो अपने काम में लग रहे हैं, मम्मी के पास टाइम नहीं है घर के कामों से। तो क्या होता है, आपकी लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि आपको एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिलता, है ना। तो ये एक लोगों के लिए एक पोएम लिखी गई है कि कैसे लोग इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं आज के टाइम में, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था, सब लोग मिलजुल कर कोई काम करते थे। So let's start the poem. Sing a song of people walking fast or slow. People in the city, up and down they go. People on the sidewalk, people on the bus, people passing in back and front of us. People on the subway, underneath the ground. People riding taxis, round and round and round. People with their hats on, going in the doors. People with umbrellas when it rains and pours. People in tall buildings and its stores below, riding elevators, up and down they go. People walking singly, people in a crowd, people saying nothing, people talking loud, people laughing, smiling, grumpy people too, people who just hurry and never look at you. Sing a song of people who like to come and go. Sing of city people you see but never know. This is a poem by Louis Lebansky. ठीक है? So let's explain the poem now. Sing a song of people, यानी कि एक लोगों के लिए एक गीत गाया गया है. Walking fast or slow, जो कि fast और slow भाग रहे हैं, यानी कि सब लोग चल रहे हैं, कोई तेज चल रहा है, कोई धीरे चल रहा है। जैसे आप रोड पे निकलते हो तो बहुत सारे लोग आपको चलते हुए नजर आते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, कुछ लोग बहुत स्पीड से चल रहे हैं। पीपल इन द सिटी, अप एंड डाउन दे गो, कोई ऊपर की तरफ जा रहा है, कोई नीचे की तरफ आ रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा इज पीपल ऑन द साइडवॉक, पीपल ऑन द बस, कुछ लोग रोड के साइड में चल रहे हैं, कुछ लोग बसेस से जा रहे हैं। पीपल पासिंग इन बैक एंड फ्रंट ऑफ अस, तो पीपल एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, कुछ हमें पीछे छोड़ रहे हैं और कुछ हमें हमसे आगे निकल जा रहे हैं, ठीक है। कुछ को हम पीछे छोड़ देते हैं और कुछ हमें पीछे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा इज पीपल ऑन द सबवे अंडरनीथ द ग्राउंड। सबवे क्या होता है, जो रास्ता होता है धरती के नीचे से, ठीक है। रोड को क्रॉस करने के लिए नीचे से एक पास बाय बनाया होता है, उसको बोलते हैं सबवे। अंडरनीथ द ग्राउंड, अंडरनीथ का मतलब नीचे, ठीक है, ग्राउंड के नीचे, यानी कि पीपल ऑन द सबवे रोड क्रॉस करने के लिए जो नीचे से टनल टाइप रास्ता बनाया होता है, स्टेयर्स बनाई होती हैं, उसके नीचे से लोग गुजर रहे हैं। पीपल राइडिंग टैक्सीज, कुछ लोग टैक्सी से जा रहे हैं, राउंड एंड राउंड एंड राउंड। और टैक्सी से क्या होता है, एक को पिक किया, उसको ड्रॉप किया, देन सेकंड को पिक किया, उसको ड्रॉप किया, थर्ड को पिक किया, उसको ड्रॉप किया, तो क्या है, राउंड एंड राउंड सिटी के कितने ही चक्कर लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग रोड के नीचे से जा रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, टैक्सी से जा रहे हैं और पूरी कंट्री के या सिटी के चक्कर लगा रहे हैं। People with their hats on, going in the doors. People with umbrellas when it rains and pours. कि लोग गर्मी है तो लोगों ने कैप लगाई हुई है, हैट लगाई हुई है और उसके साथ जा रहे हैं। गोइंग इन द डोर्स, घरों के अंदर जा रहे हैं या जहां उनके ऑफिस वगैरह हैं वहां जा रहे हैं। पीपल विद अम्ब्रेलास, और कुछ लोग अम्ब्रेलास के साथ हैं। व्हेन इट रेन्स एंड पोर्स, जब बारिश हो रही है या बूंदे आ रही हैं, बूंदे गिर रही हैं, तब वो अम्ब्रेला का यूज कर रहे हैं। People in tall buildings and in stores below. People in tall buildings, कुछ लोग बहुत बड़े बड़े buildings में हैं। People in stores below, और कुछ लोग छोटे छोटे stores में हैं। Riding elevators, up and down they go. तो riding elevator, elevator क्या होता है, stairs होते हैं जो running stairs होती है ना, जिनके आप ऊपर खड़े हो जाते हो। लिफ्ट अलग होती है, लिफ्ट तो एक बॉक्स टाइप होता है, और स्टेयर्स होती हैं जो चलती हैं, ठीक है, वो होता है एलिवेटर, ठीक है। तो वहां एक जगह खड़े हो गए, लिफ्ट ऊपर जाएगी, कौन से वाली, एलिवेटर, ठीक है, जो कि स्टेयर्स होती हैं, स्टेयर्स जो कि अपने आप चलती हैं उसको बोलते हैं एलिवेटर, ठीक है। तो जो लोग कुछ बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, कुछ छोटे छोटे स्टोर्स में काम कर रहे हैं, तो कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है। तो अब तो हर जगह मॉल्स में या फिर हॉस्पिटल्स में हर जगह आपको वो लिफ्ट देखने को मिल सकती हैं, और साथ में एलिवेटर्स भी। ठीक है, एलिवेटर्स पहले इतने नहीं होते थे, अब वो भी बहुत कॉमनली देखे जा सकते हैं। तो लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में कैसे जाते हैं, स्टेयर्स से कम पसंद करते हैं जाना, बल्कि एलिवेटर्स को ज्यादा यूज करते हैं। तो बड़े बड़े स्टोर्स में कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे आ रहा है बिल्डिंग्स में, तो उसके लिए वो एलिवेटर्स का यूज करते हैं ऊपर नीचे जाने के लिए। पीपल वॉकिंग सिंगली, कुछ लोग अकेले चल रहे हैं। पीपल इन अ क्राउड, कुछ लोग क्राउड में यानी कि भीड़ के साथ चल रहे हैं। पीपल सेइंग नथिंग, कुछ लोग बिल्कुल बात नहीं कर रहे, चुपचाप जा रहे हैं। पीपल टॉकिंग लाउड, कुछ लोग ग्रुप में जा रहे हैं तो वो बहुत जोर शोर से बात करते हुए जा रहे हैं, या फिर कुछ लोग फोन कान पे लगा के भी आपस में बात कर रहे होते हैं, तो उनकी भी बहुत नॉइस हो रही होती है। तो कुछ लोग अकेले चलते हैं, कुछ लोग भीड़ में चलते हैं, कुछ लोग बहुत शांति से चल रहे हैं कि कुछ भी नहीं बोल रहे या धीरे धीरे बोल रहे हैं, और कुछ लोग बहुत ही जोर जोर से बोलते हैं। पीपल लाफिंग स्माइलिंग, कुछ लोग हंस रहे हैं, हंसते रहते हैं और स्माइल करते हैं। ग्रम्पी पीपल टू, और कुछ लोग ग्रम्पी भी हैं। ग्रम्पी क्या होता है, जो बहुत ज्यादा सैड फेस बना के रखे या गुस्से में रहे। ठीक है, तो ऐसे भी हैं जो बहुत खुश मिजाज हैं, अच्छे से स्माइल कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग बहुत गुस्से में या फिर सैड फेस देखने को मिल रहा है कुछ लोगों का। पीपल हु जस्ट हरी एंड नेवर लुक एट यू, कुछ लोग बहुत जल्दी में हैं जो कि आपकी तरफ देख भी नहीं रहे। देखिए, जैसे आप मार्केट में जाते हैं या फिर कहीं भी घूमने फिरने जाते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा लोग होते हैं, है ना। तो आप क्या हर आदमी को देखते हैं? नहीं देखते, ऑलराइट। तो ऐसे ही हर आदमी आपको देखे, ऐसा भी बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो हम बहुत लोगों को क्रॉस करते हैं, बहुत लोग हमें क्रॉस करते हैं, और हम मैक्सिमम लोगों की तरफ ध्यान भी नहीं देते। जो हमारा मेन गोल होता है, हम सिर्फ उसी की तरफ ध्यान देते हैं, उसके अलावा हम चीजों को नहीं देखते या लोगों को नहीं देखते। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग, कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग दुखी हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग तेज बोल रहे हैं, कुछ लोग धीरे बोल रहे हैं, हमें क्रॉस कर रहे हैं और हम उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे या वो आपकी तरफ देखते भी नहीं है। सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल, और एक गीत गाओ लोगों का, हु लाइक टू कम एंड गो, जो कि आना पसंद करते हैं, जाना पसंद करते हैं। सिंग अ सिटी पीपल, सिंग ऑफ सिटी पीपल, किनके लिए गाना गाओ? जो शहर के लोग हैं उनके लिए गाना गाओ। You see but never know, जिनको आपने देखा जरूर है लेकिन आप उनको जानते नहीं है या उनको समझते नहीं है। So this is a poem by Louis Lebansky, ठीक है। तो ये हमारी पोम आज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। सबवे, सबवे क्या होता है? अंडरग्राउंड पैसेज फॉर पीपल टू क्रॉस, धरती के नीचे से रास्ता जो कि लोगों के क्रॉसिंग के लिए बनाया होता है। ठीक है, रोड क्रॉस करने के लिए बेसिकली। अंडरनीथ, बिलो, नीचे। एलिवेटर, लिफ्ट होती है जो स्टेयर्स वाली होती है। ठीक है। ग्रम्पी क्या होता है? इल टेम्पर्ड, जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तेजी या फिर अजीब सा बिहेवियर हो जिसका। ठीक है। So this is all about our new words. Next class में हम इसकी back exercise complete करेंगे. So that's all for today. Thank you and have a nice day.